आज हम बनाने वाले हैं पनीर का कोफ्ता, पनीर के कोफ्ते का करी, राइट? तो इसको बनाने के लिए क्या क्या इसका प्रोसेस है बताएंगे पत्नी जी? हाँ, पहले तो हमें पनीर लेना है। पनीर हमने कितना लिया है इसमें? 200 ग्राम मैंने लिया है। अच्छा, ये 200 ग्राम है? हाँ। ये तो काफ़ी, मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। चलिए जो भी है, हाँ। आपने देखा है कि कितना है पनीर, तो इतना पनीर ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये क्या लिया है आपने? ये आटा लिया है मैंने। अच्छा। उसको बाइंडिंग करने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा आटा ले लिया है ताकि पनीर अच्छी तरह से डो बन जाए। हाँ, 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 हाँ। अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो वो फ्राई हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो खुल जाएगा। अच्छा, इसीलिए। और थोड़ा सा उसको मैंने इसको ना मैश करके अच्छे से उसको रख दिया पहले 10 मिनट के लिए। फिर जाके मैंने इसको गोल गोल करके, लड्डू करके, फिर जाके उसके अंदर मैंने स्टफिंग भरा है। अब देखिए। अच्छा, तो इसको अच्छी तरह से आपने डो बनाने के बाद 10 मिनट आपने रख दिया। रखने के बाद इसके छोटे छोटे करके, गोल गोल करके आपने इसका लड्डू बना के, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक किशमिश हर एक लड्डू के अंतर में डाल के इसका ये बना रहे हैं। थोड़ा सा मीठा भी होगा, थोड़ा सा तीखा भी होगा, खाने में अच्छा भी लगता है और बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा मीठा मीठा हो। अगर काजू भी हो, थोड़ा सा काट के आप डाल सकते हो। अच्छा, तो वैसे भी बच्चों को तो पनीर बहुत ही पसंद है। मुझे वैसे इतना मेरा फेवरेट नहीं है, बट पत्नी जी को और आशना को पनीर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हमने अभी ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, राइट? हाँ, हाँ। तो हम अभी इसको जो पनीर के गोल गोल लड्डू जो बनाए हैं हमने, कोफ्ते जो हमने बनाए हैं, इसको हम फ्राई कर लें। हाँ, अच्छे से एकदम हाई आँच पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं। नहीं, मीडियम आंच पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया। हाँ, नहीं तो वो अंदर से कुक नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा। वैसे भी पनीर तो वैसे भी जो नहीं, उसको कोफ्ता है ना, तो अंदर से भी थोड़ा सा अगर अंदर तक जाए तो अच्छा होता है खाने में, इसीलिए। तो आज हम सिर्फ पनीर के कोफ्ते बना रहे हैं या फिर और कुछ भी बना रहे हैं? दाल बनाएंगे थोड़ा। अच्छा, सा हाँ। दाल बनाएंगे तो पूरा एक मील बना रहे हैं। हाँ, हम इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे हम दिखाएंगे सिर्फ पनीर के कोफ्ते को और लास्ट में आप देखोगे पूरा जो थाली जो बन के तैयार होगा, आप लास्ट में आप देख सकते हो। तो इसको जो हम फ्राई कर रहे हैं, काफ़ी देर तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हो, लाल कर दिया है हमने इसको ताकि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। खाने में भी अच्छा लगेगा। वैसे ये जब आपने बनाया था और जब हम लोगों ने खाया था, मुझे अच्छा लगा था, काफ़ी टेस्टी बना था। तो आप सब भी ये ट्राई कर सकते हो। वैसे इसको बनाने में कितना कितना टाइम लगा होगा ये पनीर के कोफ्ते के करी को बनाने में? आधा घंटा तो लग ही गया था। अगर आप घर पे दूध को बॉयल करके छान के ये करोगे तो और भी टाइम लग जाएगा। वो तो ज़्यादा समय लग जाएगा। वैसे पनीर हम लोगों ने मदर डेयरी से ही लेके आ गए थे हम, और पनीर को हमने प्रोसेस करके हमने बनाया। और ये तो करी बनाने के लिए हम पाँच फोरन हम लोगों ने डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और उसके बाद अभी हम आलू बॉईल किया हुआ नहीं है। नहीं, बॉईल किया हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हो इतना आलू हमने लिया है। और ये एक कितने लोगों के लिए, ये जो हमने ये करी जो बना रहे, कितने लोगों के लिए ये? हम चार लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। तो आप अगर पनीर ये क्वांटिटी में ले रहे हो, आलू इस क्वांटिटी में ले रहे हो, तो चार लोगों के लिए ये काफ़ी रहेगा। हमने फिर से हल्दी डाला है इसमें, थोड़ा सा हल्दी का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसमें। नहीं, वो सारा मसाला डालूंगी ना अभी थोड़ा सा करी के लिए। तो आलू फ्राई हो गया, अभी हल्दी, जीरा, मिर्च। ओके, तो जितने भी करी के लिए जो भी मसाले चाहिए होते हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्ची पाउडर और नमक, स्वाद अनुसार हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा चीनी भी डालूंगी मैं, थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे ताकि करी में थोड़ा सा जो बैलेंस है ना, तीखा हो और मीठा भी हो थोड़ा सा, बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें चीनी भी डाला है। तो हम इसको अभी सारा मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे।
इसमें मैंने वो रेड चिली पाउडर तीखा और कश्मीरी भी दोनों ही डाला, दोनों मिला के आपने तकरीबन 1.5-2 चम्मच आपने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो ये जो डिश है ये आपने खुद से ही मतलब सीखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अलग लगा, तो ये नहीं, ये मेरी मम्मी से मैंने सीखा है। अच्छा, आपने अपनी मम्मी से ये डिश बनाना सीखा है, तो ये क्या आपके बचपन में आपके मम्मी आपको बना के खिलाया करती थी? हाँ, फिर मैंने भी सीखा जब मैं थोड़ा सा बड़ी हो गई, 15-16 ईयर्स की थी, मैं भी बनाती थी तब। अच्छा, तो आप खुद भी बनाते थे। ओके, तो इसको हमने ढक के रखा था, मैंने इमीडिएटली दिखा दिया है, एडिट करके मैंने दिखाया है। तो इसको आप अच्छी तरह से भून लीजिए, ढक के रखिए, जब तक आलू बॉयल ना हो जाए तब तक आप ये कर लीजिए। देखिए कितना प्यारा रंग आया है, और उसमें आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठंडा पानी आप मत डालिए। ठंडा पानी डालने से उसका ना टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो आप सभी जब भी आप बनाओगे, गर्म पानी थोड़ा सा अलग से रख देना, जो करी में इस्तेमाल होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आलू थोड़ा सा बॉयल कम हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फिर से बॉयल कर लिया। अच्छा, तो आप जब भी बनाओगे तो देख लेना कि आलू अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, तब ही जाके आप इसको, और अभी जो आप पानी डाल रहे हो वो करी के लिए। हाँ, करी के लिए। ठीक है, तो हमारा डिश लगभग तैयार होने ही वाला है। तो इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादा समय नहीं लगता, आधा घंटे में आराम से आप ये बना लोगे। वैसे तो वीडियो जो है वो लगभग 9 मिनट का वीडियो है, मगर बनाने में इसको आप पकड़ लीजिए आधे घंटे का समय लगता है। और क्योंकि इसमें हमने किसी कोई प्याज या टमाटो इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसीलिए हम करी को थोड़ा सा ठीक बनाने के लिए हम आलू को थोड़ा मैश कर दे रहे हैं, इससे करी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक होगा और गाढ़ा होगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये गरम मसाला और हमने साबुत गरम मसाले को कूट के हमने इसमें डाल दिया है, और अभी हम कोफ्ते को डाल रहे हैं। वैसे कोफ्ता तो काफ़ी नरम होता है, तो आप एकदम लास्ट में डालिए ताकि वो टूटे ना, और उसको पकाने का तो कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है, वो बस करी में डालने के बाद वो ताकि अच्छी तरह से वो बन जाए। और ये देखिए हमारा पूरा जो है जो डिश जो है वो हम सर्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बनाया है पुलाव, और वेज पुलाव। उसमें भी मैंने प्याज लहसुन कुछ भी ऐड नहीं किया। अच्छा। जैसे हम लोग नवरात्रि के टाइम पूरा शाकाहारी तो खाना, ये आप नवरात्रि के टाइम आप यूज कर सकते हो, प्योर वेजिटेरियन डिश है। तो आप सभी ये देखिए, बनाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हो आपको कैसा लगा यह वीडियो और यह डिश कैसा लगा। कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। तो हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नया जगह, एक नया खाना लेके। तब तक के लिए हम आपसे गुड बाय बोलते हैं। और ये बस लास्ट में थोड़ा सा सैलड वगैरह ये सब देके आप इसको मील को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें आपने फूलगोभी का पकौड़ा और ये परवल जो है ना उसका पकौड़ा। ओके, सो ये आप देख सकते हो पूरा हमारा डिश है तैयार।